कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है दोस्तों आपका अहमदाबाद में। जिस जगह पर मैं लाया हूं यहां पर ना नितिन गडकरी साहब एक और एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे बना रहे हैं, उनमें से एक ये भी है। अहमदाबाद से धुलेरा के बीच में 110 किलोमीटर लंबा ये पूरा एक्सप्रेसवे होने वाला, इसी जगह से स्टार्ट हो रहा है सरदार पटेल रिंग रोड से। एक्चुअली ये अहमदाबाद का आउटर रिंग रोड है और इसी जगह से ये स्टार्ट होकर और आगे जाएगा वाया धुलेरा होते हुए भावनगर, और इसी का आज हम और आप काम देखने वाले हैं। वैसे ये जो पूरा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है ये 6 लेन का है भाई, 3 लेन ईस्ट साइड, 3500 करोड़ की लागत से ये बनाया जा रहा है और इस साल तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। अब आप बोलोगे भाई इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हो आप, तो देखो ये अपडेट है जो कुछ महीने पहले दिखाया था। और ये है आज का, ये देखने के बाद आपको क्या लगता है कमेंट करके आप बता देना भाई। वैसे ये जो पूरा 110 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे भाई 4 पैकेज में इसको डिवाइड किया है ताकि जल्दी से जल्दी इस पर काम हो जाए और अहमदाबाद से धुलेरा को कनेक्ट किया जाए। अहमदाबाद तो आपको पता ही है गुजरात की सबसे बड़ी और सबसे कमाल की सिटी है, और धुलेरा जो कि अपने देश की सबसे पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी होने वाली है। 920 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एरिया बनाया जा रहा है, मतलब अगर साइज में बोलूँ ना तो साइज में वो दिल्ली से भी बड़ा है, और धुलेरा स्मार्ट सिटी को कनेक्ट करेगा ये अहमदाबाद से। और साथ ही साथ इसी एक्सप्रेसवे के पैरेलल में धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है, वो धुलेरा स्मार्ट सिटी को कनेक्ट करने के लिए बना रहा है। तो मतलब अगर आप अहमदाबाद से टूवर्ड्स इस तरफ चलोगे धुलेरा के, तो सबसे पहले आएगा इसके बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट धुलेरा का जो बनाया जा रहा है, उसके बाद आएगा धुलेरा स्मार्ट सिटी, और उसके बाद आएगा भावनगर, और इन सभी को कनेक्ट करने के लिए ये एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। वैसे तो मैंने आपसे कहा है कि एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा, 3 लेन ईस्ट साइड, लेकिन बात जहां नितिन गडकरी साहब के प्रोजेक्ट की आती है तो उसमें फ्यूचर भी दिखता है, और वही यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। कंस्ट्रक्शन का जो काम किया जा रहा है वो इस हिसाब से किया जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे को अगर 6 लेन ईस्ट साइड करना हुआ यानी कि 12 लेन तो किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो एक्सप्रेसवे जहां तक बन चुका है साइड में भी अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा लैंड जो है इन्होंने ले रखा है फ्यूचर के लिए, ताकि अगर और भी लेन ऐड करने हुए तो आसानी के साथ किया जा सके, क्योंकि सबसे ज्यादा जो चैलेंज आता है वो क्या आता है, लैंड का, वो प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रही है। वैसे ये एक्सप्रेसवे भी अगेन ग्रीनफील्ड ही है, मतलब पूरा एक नया अलाइनमेंट है जिसकी मदद से ना अहमदाबाद से धुलेरा जाने में आपको सिर्फ 1 घंटे का समय लगेगा, जो कि फिलहाल अभी 2 से 2.5 घंटे लगते हैं क्योंकि आपको सिंगल रोड से होकर जाना पड़ता है। जी ये जो देख रहे हो अभी फिलहाल ऐसे ही रोड से आपको कनेक्ट करना पड़ता है, 2.5 से 3 घंटे तो कहीं नहीं गए भाई, क्योंकि बीच में रुकोगे भी ना तो 2.5-3 घंटे आराम से हो जाते हैं। लेकिन इस एक्सप्रेसवे पे स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटे का होने वाला है। एक तो सीधा स्ट्रेट है ये, तो टाइम वैसे भी कम हो जाएगा, स्पीड लिमिट ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, इनफैक्ट डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा, और वही यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं। क्या कुछ कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है वो बताता हूँ, और अहमदाबाद से स्टार्ट करते हैं आज, उसके बाद टूवर्ड्स धुलेरा की तरफ भी देखेंगे कि क्या कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है भाई। अहमदाबाद में इसी जगह से स्टार्ट हो रहा है भाई, इस जगह पर किस तरीके का इंटरचेंज का डिजाइन होने वाला है अब फाइनली आपको दिखता है, क्योंकि लगभग इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब 80% काम कंप्लीट है भाई। अब इस पर तो सिर्फ लेन बनाना और लेन मार्किंग का काम करना और स्ट्रीट लाइट भी लगाना है। बीच में ये जो जगह देख रहा हूँ ये जो स्पेस है ना, इस जगह पर पेड़ पौधे लगाएंगे भाई, हाँ ग्रीनरी भी तो होनी चाहिए ना, उसको बड़े होने में तो आपको पेड़ को टाइम लगेगा, लेकिन वजह से ये बीच में इतनी जगह दी गई है। और साथ ही साथ ये जो रिंग सर्कल का बनाया जा रहा है ये इंटरचेंज, इससे ये होगा कि ट्रैफिक का फ्लो भी आसान हो। सरदार पटेल रिंग रोड से जब आप आगे चलेंगे तो इस रिंग रोड
कि इंटरचेंज से जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो इस तरफ भी अच्छा खासा काम हुआ है। जैसे जैसे आप रिंग रोड से आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि एक्सप्रेसवे का जो काम है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है और इस जगह पर इनफैक्ट लेन बनाने का काम भी कर दिया जा चुका है। आगे एक कनाल है जिसको कि ये एक्सप्रेसवे क्रॉस कर रहा है, उस कनाल पे आज कितना कुछ काम हुआ है उससे पहले दिखाता हूँ लास्ट अपडेट तक कितना कुछ काम हुआ था। ये है इसका अप्रैल का अपडेट 2023 का और ये जो आप देख रहे हैं ये मैंने जो 2 महीने पहले अपडेट दिया था उस वक्त पे इसका काम किया गया था, जहां पर स्ट्रक्चर तो बन गया था, फ्लोरिंग वर्क का काम करना था और अर्थवर्क का भी काम उसके आसपास करना था, यानी कि मिट्टी डालकर इसके लेवल तक लाना था। वहीं आज अगर आप देखोगे तो इस जगह पर पूरी तरीके से एक साइड का जो हिस्सा है वो बनकर तैयार हो चुका है, दूसरे साइड वाले हिस्से पे फ्लोरिंग वर्क का काम कर रहे हैं और इनफैक्ट एक हिस्से को तो स्टार्ट भी कर दिया जा चुका है व्हीकल मूवमेंट के लिए, मतलब नहर को क्रॉस करके एक तरफ से दूसरी तरफ अब आप आसानी से जा सकते हो। और इसको देखने के बाद आप भी ये कहोगे कि इस पे काम पिछले कुछ महीनों में बहुत तेजी के साथ हुआ है, क्योंकि 2 महीने पहले जहां यहां पर कुछ खास आपको अपडेट नहीं दिखता था आज बहुत सारा काम यहां पर देखने को मिल रहा है और नहर को क्रॉस करने के बाद का भी जो हिस्सा है वो आपको दिखेगा जो कि बनकर तैयार हो चुका है, क्योंकि अर्थवर्क का यहां पर काम करना, हाईवे का यहां पर पार्ट होने वाला स्ट्रक्चर है नहीं, तो इसी वजह से आपको यहां पर तेजी के साथ काम होता हुआ नजर आएगा। और बीच में ये जो स्पेस देख रहे हो दोस्तों इसमें प्लांटेशन किया जाएगा ठीक वैसे ही जैसा इन्होंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर किया था। जैसा कि मैंने आपसे कहा यह पूरा हिस्सा ग्रीनफील्ड का अलाइनमेंट होने वाला है, तो इसी वजह से बहुत सारे कनाल्स हैं जो कि इस रास्ते के बीच में आ रहे हैं। ग्रीनफील्ड मतलब एक नया फ्रेश अलाइनमेंट जिस हिस्से पे यहां पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि जहां पर भी हाईवे का पार्ट है स्ट्रक्चर नहीं बनाना, उस जगह पर आपको दिखेगा कि काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। जहां पर अभी स्ट्रक्चर बनाना है उस जगह पर ही आपको मेजर काम देखने को मिलेगा और वैसा ही इस जगह पर आपको दिखेगा, क्योंकि यहां पर एक कनाल भी है और साथ ही साथ रोड भी है और इन दोनों को इसे क्रॉस करना है एक्सप्रेसवे को, इसी वजह से यहां पर आपको दिखेगा कि स्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर तो बन चुका है दोस्तों, इस जगह पर अब स्ट्रक्चर के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन का काम किया जाना है वो किया जा रहा है, यानी कि इसके रैंप वाले हिस्से पे, और वही आज आपको देखने को मिल भी रहा है। अच्छी बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे अर्थवर्क का काम किया जाना है, यानी कि मिट्टी को फिलिंग करने का जो काम किया जा रहा है वो मिट्टी के जरिए नहीं, जो गार्बेज है जो कचरा है ना उसको प्रोसेस करके सेग्रीगेट करके और फिर यहाँ पर यूज किया जा रहा है इस एक्सप्रेसवे के ऊपर, और इसी वजह से आपको कुछ इस तरीके का नजर आता है। ये जो देख रहे हो ना ये कचरे को प्रोसेस करके यहाँ पर और फिर फिलिंग वर्क का जो अर्थवर्क का काम है वो कर रहे हैं, इसी वजह से ये ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है। और इसी तरफ ये आगे जा रहा है धोलेरा को और हम और आप भी इसी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कितना कुछ काम हुआ है। जिस जगह पे मैं हूं दोस्तों ये है पिपली गांव, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में धोलेरा और इस तरफ है अहमदाबाद। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद यहां से पिपली गांव से धोलेरा की दूरी मात्र 7 किलोमीटर रह जाएगी, अभी तो बहुत ज्यादा है भाई, नेशनल हाईवे को यूज करके जाते हैं क्योंकि, लेकिन इस एक्सप्रेसवे की मदद से ये पूरा नया अलाइनमेंट बनाया जा रहा है, ग्रीनफील्ड का हिस्सा है तो इसलिए दूरी बहुत हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि ज्यादातर अगर आप हिस्सा देखोगे तो स्टेट ही है और इस तरफ है अहमदाबाद। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरफ क्या कुछ काम किया जा रहा है। यहाँ पर वैसे एक नेशनल हाईवे भी है जिसको ये क्रॉस कर रहा है, नेशनल हाईवे 751 के ऊपर अगर आप देखेंगे तो पिलर बनकर तैयार हो चुका है। इस जगह पर अब एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम किया जाना है।
इसी वजह से नेशनल हाईवे को यहाँ पर डाइवर्ट किया गया है, ताकि इस जगह पर एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का जो काम है गडर्स की मदद से वो किया जा सके और ट्रैफिक मूवमेंट को बंद नहीं कर सकते। इसी वजह से लेन को थोड़ा डाइवर्ट कर दिया जा चुका है और वही आपको यहाँ पर देखने को मिलता भी है। इस नेशनल हाईवे से जब आगे की तरफ आ रहेंगे धोलेरा की तरफ, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक नहर भी है, जिस नहर के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, पिलर निर्माण का पिलर बनाया जा रहा है उस जगह पर। अब पिलर निर्माण का कार्य यहाँ पर किया जाएगा और उसके बाद पिलर कैप का, और फिर पिलर को कनेक्ट करने का काम भी किया जाएगा। और इसी तरफ आप आगे जाएंगे तो इस हिस्से से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर है धोलेरा। यह है स्टेट हाईवे, पिपली गांव को कनेक्ट करता है ये, और इस हाईवे को क्रॉस कराने के लिए यहाँ पर बॉक्स का निर्माण किया गया है, जिसकी मदद से इस स्टेट हाईवे को जो लोग यूज़ करेंगे ना, वो इसके नीचे से चले जाएंगे और जो एक्सप्रेसवे है वो हाईवे के ऊपर से चला जाएगा, और इसी वजह से ये बॉक्स का निर्माण किया गया है। जैसे ही इस स्टेट हाईवे वाले हिस्से को क्रॉस कर जाओगे तो उसके बाद दिखेगा कि यहाँ पर ना अर्थवर्क का काम जो है वो कर दिया जा चुका है और इस जगह पर लेन बनाने की अब तैयारी की जा रही है दोस्तों। और यहाँ पर एक रिवर भी है जिस रिवर को इसे क्रॉस करना है, और उस रिवर के ऊपर अगर आप देखेंगे तो सभी पिलर बनकर तैयार हो चुके हैं, सभी के सभी। और एक्चुअली ये रिवर का जो हिस्सा है, इसको जो क्रॉस करना है, यहाँ पर जो फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा, ये फ्लाईओवर तकरीबन 600 मीटर लंबा होने वाला है और उसी हिस्से पे अभी अगर आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का, क्योंकि पिलर सभी बनकर तैयार हो चुके हैं। और इनफैक्ट यहां पर गडर्स भी सभी बनकर तैयार हो चुके हैं दोस्तों। तो ये गडर्स है जिसको क्रेन की मदद से लिफ्ट करके व्हीकल के ऊपर डाला जा रहा है और फिर इसको पिलर के ऊपर डाला जा रहा है। ये था अपडेट भाई अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये अपडेट देखने के बाद आपको ये पता भी चल गया होगा कि कब तक ये बनकर तैयार होगा, और यही फायदा होता है ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने का और देखने का, जिससे पता चल जाता है कि एक्चुअल में कितना टाइम लगने वाला है, और इस अपडेट को देखने के बाद आपको भी यही पता चल गया होगा। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर कर देना भाई, ताकि दूसरों को भी पता चल जाए कि कितना एक्सप्रेसवे के ऊपर काम हुआ है, जिसे कहते हैं अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे। फिलहाल आज के लिए तो बस इतना ही, मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। चलो मैं जल्दी मिलता हूँ, अभी रहने वाले हैं। वैसे सच बताऊँ सही टाइम पे गुजरात में आया हूँ, जितने मैंने पतंग देखे हैं ना पिछले 1-2 दिनों में, इतने तो मैंने आज तक अपने लाइफ में अभी तक नहीं देखा है, जितना ही अहमदाबाद वालों ने 1 दिन में फ्लाई किया है।